सोहाना से निर्दलीय उम्मीदवार भाई धर्मपाल पहलवान ने कई गांवों का दौरा किया जहां उन्हें जनता का प्यार और समर्थन मिला। वहीं धर्मपाल पहलवान ने कहा कि गुर्जर समाज के कुछ ठेकेदार गुर्जर समाज को बरगलाने की बात कर रहे थे कि जजपा प्रत्याशी को गुर्जर समाज ने अपना समर्थन दे दिया। हालांकि मैं भी गुर्जर समाज से आता हूं, लेकिन सोहाना में ऐसी कोई बात नहीं है। सोहना से निर्दलीय उम्मीदवार भाई धर्मपाल पहलवान ने कई गांवों का दौरा किया जहां उन्हें जनता का प्यार और समर्थन मिला। वहीं धर्मपाल पहलवान का कहना है कि गुर्जर समाज के कुछ ठेकेदार गुर्जर समाज को बरगलाने की बात कर रहे थे, जजपा प्रत्याशी को गुर्जर समाज ने अपना समर्थन दे दिया। हालांकि मैं भी गुर्जर समाज से आता हूँ, लेकिन सोहना में ऐसी कोई बात नहीं है। वहीं धर्मपाल पहलवान ने कहा कि चुनाव एक राजनीतिक जंग है, इसलिए सब अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि मेरा किसी प्रत्याशी से कोई भेदभाव नहीं है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को भी जुमलेबाजी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का आज जिस तरह से हाल है वो कभी नहीं होता यदि वो जनता के लिए ठीक काम करती। 70 साल से कांग्रेस का ही देश में राज था, लेकिन अब जनता कांग्रेस पर भरोसा नहीं करती। वहीं कांग्रेस केवल अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और कांग्रेस अपना इस विधानसभा चुनाव में अस्तित्व भी नहीं बचा सकेगी। हमें जहाँ भी जा रहे हैं सभी लोग जानते हैं, लोगों में सभी में हमारे प्रति प्यार भाव है और पूरे क्षेत्र में मैं समझता हूँ। मैं 3-4 दिन से ये समय भी मेरे लिए ज्यादा है, मैं तो 4 दिन के अंदर अंदर इस क्षेत्र को पूरे को कवर करने की क्षमता रखता हूँ। बीजेपी को लेकर भी धर्मपाल पहलवान ने कहा कि बीजेपी लोक लुभावन वाली बातें करती है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जो वायदे किए वो अपने 5 साल के कार्यकाल में क्यों नहीं किए। 5 साल में बीजेपी हरियाणा के युवाओं को काम और रोजगार भी नहीं दे सकी। वहीं सोहना से भाजपा के स्थानीय विधायक की टिकट कटने पर धर्मपाल पहलवान ने कहा कि विधायक अपने क्षेत्र की भावना और क्षेत्र की समस्या को भी दूर नहीं कर सके, इसलिए बीजेपी के स्थानीय विधायक का जनता में रोष है। वहीं भाजपा पार्टी ने सोचा है कि स्थानीय विधायक जनता को इस विधानसभा चुनाव में फेस भी नहीं कर सकेंगे, इसलिए उनकी टिकट काट दी गयी और जिसको टिकट दी गयी वो भी उम्मीदवार बाहर ही है। हालांकि भाजपा ने 10 साल पहले भी संजय उजीना को ही टिकट दी थी, लेकिन वो क्षेत्र को छोड़कर भाग गए थे। उनका गांव उजीना नू विधानसभा में आता है जो अभी फिलहाल भाजपा का प्रत्याशी है। लेकिन मेरा किसी कैंडिडेट से भेदभाव नहीं, मेरा एक आपसी भाईचारे की जो बात थी हमारे समाज में, जो इस तरीके की बात चल रही थी कि बरगलाने वाली बात चल रही थी, मैं उन बातों पर बोला है। मेरा किसी से कोई भेदभाव नहीं है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव ये एक राजनीतिक जंग है, इसमें सब अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसी तरीके से हम लड़ रहे हैं। ये मेरे भाई है, मेरे काका ताऊ हैं, तो इनको समझाना जरूरी है कि अगर कोई आकर इनसे कोई बात करे तो उनको ये जवाब दे सके। वहीं सोहना क्षेत्र के गांव बिल्हाका निवासी अजय का कहना है कि इस बार धर्मपाल पहलवान को ही अपना विधायक बनाएंगे। सोहना विधानसभा की जनता धर्मपाल पहलवान का ही साथ देगी, क्योंकि धर्मपाल पहलवान एक समाजसेवी भी हैं। वो जो भी सोहना में काम करेंगे वो अच्छा करेंगे और गाँव के बच्चों को रोजगार देंगे। पहलवान जी का अपना गांव है जी, अगर ये गांव पहलवान जी के साथ नहीं देगा तो फिर कौन साथ देगा। इस गांव को तो पूरा पहलवान जी के साथ लगना पड़ेगा और गांवों को भी साथ में मिलाएंगे, अपने पहलवान जी को बना के लेके आएंगे। अपने गांव से पूरा समर्थन है, बाकी और गांवों से सहयोग देने के लिए अपील करेंगे। समाज के लिए अच्छा काम करेंगे, रोजगार के लिए जैसे पहलवान जी कह रहे हैं तो रोजगार हमें हमारे युवाओं को मिलेगा। मतदान में कुछ समय बाकी है और हर प्रत्याशी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन 24 अक्टूबर को ही फैसला होगा कि सोहना क्षेत्र की जनता ने अपना प्रत्याशी किसे चुना है। टोटल न्यूज के लिए सोहना से गुलशन ग्रोवर की रिपोर्ट।